अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ स्वराश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वराश्रम चैनल के सभी सुधी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ लेसन बना के अपलोड किया भी हूँ और आज उनसे कुछ बात भी करेंगे और उनको कुछ बताएंगे भी। हमें जितनी समझ है, हमने जितना संगीत को सीखा है उस हिसाब से। सबसे पहला तो हमारे प्रत्येक वीडियो में आप लोगों का कमेंट रहता है कि सर अगला लेसन बना के भेजिए, अगला लेसन बना के भेजिए। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई चमत्कार नहीं है म्यूज़िक में कि कोई कुछ ऐसा चीज़ हमें बता देगा जिससे हमारे अंदर चमत्कार आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो अलंकार रोज बजाते हैं, सामान्य सामान्य अलंकार, उसी में चमत्कार है। बस जरूरत है उसको निखारने की, उसको खूब अभ्यास करने की। सबसे बड़ी बात है कि अभी के समय में सीखने वाले विद्यार्थियों को धैर्य नहीं है और विश्वास नहीं है। वो शॉर्टकट यानी संक्षिप्त रास्ता ढूंढते हैं कि कोई ऐसा कुछ बता दे कि हम एक दिन में आर्टिस्ट हो जाए, कलाकार हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कुछ बता दे और हम तुरंत में अच्छा बजाने लगेंगे। धैर्यपूर्वक उसको खूब अभ्यास करिए, जरूर परिवर्तन होगा, आप जरूर अच्छा बजाएंगे। जैसे एक अलंकार है, सारे सा गा रे सा, रे गा रे मा गा रे, गा मा गा पा मा गा, मा पा मा धा पा मा, पा धा पा नी धा पा, धा नी धा सा नी धा, नी सा नी रे सा नी, सा रे सा गा रे सा, सा रे सा गा रे सा, नी सा नी रे सा नी, धा नी धा सा नी धा, मा धा पा नी धा पा, आइए इसको हम कैसे अभ्यास करेंगे एक एक अलंकार को, इसके बारे में जानते हैं। ये एक एप्लीकेशन है मेट्रोनोम, ये हमें प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको इस तरह से हम ओपन करेंगे और ये 80 के स्पीड में है, हमारा 80 BPM है। इसमें हम इसको बजाएंगे इस तरह से, या हम इसके स्पीड को घटा बढ़ा भी सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो इस तरह से मान लीजिए 80 के स्पीड में हम अपने अलंकार को बजाना शुरू करेंगे। ये इसका प्रयोग हम अलंकार के अभ्यास में इस तरह से करेंगे। एक दो तीन चार, सा रे सा गा रे सा रे गा रे मा गा रे, गा मा गा पा मा गा, मा पा मा धा पा मा, मा धा मा नी धा पा, धा नी धा सा नी धा, नी सा नी रे सा नी, सा रे सा गा रे सा, रे गा रे मा गा रे, गा मा गा पा मा गा, मा पा मा धा पा मा, मा धा मा नी धा पा, धा नी धा सा नी धा, तरह से हम आधा घंटा एक स्पीड में बजाएंगे। उसके बाद जैसे ये 80 BPM में है तो आधे घंटे के बाद हम इसको 100 BPM कर देंगे,
इस तरह से फिर आधे घंटे के बाद इसको 110 BPM करेंगे। जितना देर हम अभ्यास करेंगे इस तरह से धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके स्पीड बढ़ाएंगे। जैसे अब हम इसको 100 BPM में बजा के आपको एक बार दिखाते हैं। इस तरह से सारे सागा रे सा, से 100 BPM में बजाएंगे, फिर 110, 120 ऐसे करके धीरे धीरे हम अब BPM को बढ़ाएंगे, यानी स्पीड को बढ़ाएंगे। हम इसके डबल में डायरेक्ट आपको एक बार बजा के सुना दें कि किस तरह हमको तैयार करके बजाना है। इस तरह से हम इस अलंकार को मेट्रोनोम के साथ अभ्यास करेंगे। इसको ही नहीं, सभी अलंकार को, जैसे पिछले लेसन में हम आपको अलंकार बताए हैं सारे गामा, उसको भी इसमें इस मेट्रोनोम के सहारे हम अभ्यास करेंगे। जैसे एक स्पीड में आधे घंटे बजाएंगे, आधा घंटा बजाने के बाद फिर हम स्पीड को बढ़ाएंगे, यानी मेट्रोनोम के BPM को बढ़ाएंगे। अब जैसे इसके डबल में हम आपको बजा के सुनाते हैं। इस तरह से हम धीरे 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 एक ही अलंकार को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत बजाने की, बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है। और हमारे पिछले लेसन को भी आप जरूर देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार। म्यूजिक रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए विजिट करें स्वराश्रम YouTube चैनल।